हेलो एवरीवन, हाय। तो भाई आज अपन एक ऐसी क्वेरी के बारे में बात करने वाले हैं जो लगभग मतलब हर क्लास में तुम लोग मुझसे आगे पूछ रहे हो। तो भाई एक बार उसको अपन खत्म करते थे, क्लियर कर लेते हैं। क्वेरी यह है कि नीट के बच्चों के लिए फिजिक्स में HC वर्मा करना जरूरी है क्या? जैसे कि तुमको पता है इस साल मेरे कई स्टूडेंट्स है ना नीट 2021 में पेपर डिस्पाइट ऑफ पेपर बींग सो डिफिकल्ट हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स 160 प्लस नंबर ला रहे हैं। अब तुम्हें पता है जैसे मेरी क्लासेस में हम लोग HC वर्मा सॉल्व करते हैं 11 के बैच में, 12 के बैच में, ड्रॉपर में भी है ना। तो अब ये है जो बच्चे इस साल बहुत सारे बच्चे मुझको ज्वाइन करे है ना, स्पेशली जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं दे लाइक कि सर हमको HC वर्मा सॉल्व करनी या नहीं करनी, या फिर जो नहीं पढ़ रहे हैं जिनके मन में ये डाउट है ना, या फिर करनी है तो कितनी करनी है, कितना परसेंटेज करना है, किस किस को करनी है, कैसे करनी है, तो उन सारी चीजों के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे ना। तो भाई क्या सारे बच्चों को करनी है या फिर कितनी करनी है, 11 के बच्चों को क्या, 12 के बच्चों को क्या, ड्रॉपर को क्या, क्योंकि हर एक बच्चे के लिए सेम आंसर नहीं हो सकता, इट डिपेंड्स राइट। तो तुम देखना कि तुम किस कैटेगरी में आते हो, तो इसको मैं बहुत डिटेल में आंसर कर दूंगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई तुम कौन सी कैटेगरी में, फिर तुम्हें करना है नहीं करना ना। तो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल राइट, क्योंकि बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड तो नहीं पढ़ना, उससे तो तुम्हारा नहीं होने वाला नीट में ना। तुम कई सालों तक पढ़ते रह जाओगे पर तुम्हारा नीट नहीं होगा, तुम्हें कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, पर कितना जाना है कितना नहीं जाना वो मैं बता देता हूं तुम्हें, ठीक है। और अगर सॉल्व करना है तो कौन सा पोर्शन करना है, किस किस को कौन सा पोर्शन सॉल्व करना है, HC वर्मा की कौन सी चीजें करनी कौन सी नहीं करनी, उस सबके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं बता देता हूं जो बच्चे नीट में आके हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमारी टीम से पढ़ना चाहते हैं ना, दिस ऑल द है ना, ये बैच है सुपर अचीवर बैच राइटिंग, आई थिंक सभी लोग जानते हैं इस है ना, इस टीम के स्टूडेंट्स इस बार नीट 2021 में जो परफॉर्मेंस दिया है ना, कई बच्चे हैं जो 660 प्लस 680 प्लस स्कोर कर रहे हैं ना। सो इन दिस बैच यू आर गेटिंग ऑल द टॉप फैकल्टीज ऑफ कोटा टुगेदर है ना, साथ में सारे के सारे, मुझे किसी का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो राइट। तो जो बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं है ना, सुपर अचीवर का पहला बैच आया था 29 सितंबर को, दूसरा 20 अक्टूबर को, नेक्स्ट फेस आ रहा है 10 नवंबर में ना। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बाद में फ्यूचर में, तो भाई बैचेस वगैरह आते रहते हैं, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो है ना, उसकी लिंक तुम्हें अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक, या फिर मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना है ना। तो उस पर जितने भी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ना वो टेलीग्राम पे आ जाते हैं तुम्हें ना, तो वो तुम्हें मिल जाएगा। और बाकी का मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है टेलीग्राम पे ना, तो तुम उस पर भी मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली अगर तुम्हारी कोई क्वेरी है कि सर हमारे लिए ये बैच सही रहेगा नहीं रहेगा, हमें ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वॉट एवर योर क्वेरीज राइट है ना, क्या फिर नया बैच कौन सा आएगा हमारे लिए क्या सही रहेगा है ना, कर सकते हो। और जो बच्चे भाई मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है जिन बच्चों को, वो मेरा कोड यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, माय कोड इज फिजिक्स लैब, इससे तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का 100% एक्सेस मिलता है ना, और तुम्हें 10% ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ और, अगर किसी भी तरह के कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह कुछ भी है, तो अनअकैडमी ने एक चीज़ बहुत अच्छी स्टार्ट करी है अभी है ना, अनअकैडमी कॉम्बैट, और जो कि हर संडे होता है, तो उसमें जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, कुछ को 75%, कुछ को 50%, अराउंड हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है ना। सो दैट इज समथिंग रियली गुड फॉर यू है ना, वो हर संडे होता है। तो भाई अगर तुम मेरिटोरियस हो तो तुमको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता ना, एंड यू कैन ज्वाइन अवर बैच, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम सुपर अचीवर बैच में करने वाले हैं इस बात है ना, देख लेना। और 11 12 बच्चों के भी बैचेस चल रहे हैं ना, तो जिनको उसके बारे में जानना है वो मैसेज कर देना ना, मैंने कहा ना टेली डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप डला हुआ है ना, तो तुम कर सकते हो। और इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बारे में अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि अपना डिस्कशन किसी और चीज़ के बारे में, इसके स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में पढ़ लेना। तो चलो बात करते हैं ना, चलो बात करते हैं अपने टॉपिक पे। क्या हर एक बच्चे को है ना, शुड ऑल नीट एस्पिरेंट सॉल्व HC? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं करनी भाई, बिल्कुल नहीं करनी है ना। चलो ठीक है भाई, फिर ठीक है। अब जब भी ये बच्चे पूछते फिर किसको करनी है, तो भाई मैं भी यही जवाब देता हूँ, मैक्सिमम टीचर्स यही जवाब देते हैं भाई कि भाई जो बच्चे बिल्कुल टॉप करना चाहते हैं, जिनकी बहुत तगड़ी चल रही है प्रिपरेशन, या फिर जिनका टारगेट सीधा सीधा एम्स दिल्ली है, या फिर जो अंडर 500 अंडर 100 टारगेट कर रहे हैं, सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक टारगेट कर रहे हैं, उनको करनी है। देन नीट एस्पिरेंट्स भी लाइक हाँ हाँ भाई हमको भी करना है, तो हम भी कर ही रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी ना है, हमको भी जाना है एम्स दिल्ली, हमको भी 500 के अंदर लानी है, तो फिर हम सब करेंगे, सही बात है, बिल्कुल भाई टारगेट करना चाहिए और यही हमारा गोल होना चाहिए। फिर दिक्कत आती है जब ट्राई करते हैं, जैसे है ना जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं कि सर नहीं हो रही, हम कोशिश कर रहे हैं नहीं हो रही, कुछ लोग हैं भाई जो कर पा रहे हैं 70-80%, विच इज़ गुड राइट, कुछ कहें कि 50% ही कर पा रहे हैं सॉल्व, कुछ हैं कि सर नहीं हो रही हमसे, हमें बहुत डिफिकल्ट लग रही है, तो फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो HC में बहुत सारी चीज़ें है ना, HC का ऑर्डर अलग है पर हमारा सॉल्व करने का ऑर्डर अलग है। सबसे पहले तो भाई मेरे क्लास नोट्स करोगे जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, या फिर जो बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं वहाँ पे वो करेंगे है ना, जो भी टीचर्स ने तुम्हारे टीचर्स ने पढ़ाया, सबसे पहले तो बताया होता है नोट्स, अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता है नोट्स आर 100% सफिशिएंट है ना। सबसे पहले तुम्हें नोट्स करने, नोट्स में हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, हर वैरायटी के, हर कॉन्सेप्ट के, हम
मतलब इतने डिटेल में हम सब कुछ कवर करते हैं कि तुम्हें नोट्स के बाहर कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, बस प्रैक्टिस के लिए चीजें करनी है, बाकी नोट्स में सब कुछ कवर्ड है ना। नोट्स के बाहर से कभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, हमेशा हर चीज तुम्हारे नोट्स में से आती है ना। तो ये करना है, उसके बाद फिर अपन जो मैं जो डीपीपीज देता हूँ वो करना है तुमको, है ना, ठीक है। बाकी जगह तुम जहाँ भी पढ़ रहे हो, जो बाकी बच्चे वहाँ पे जो दे रहे हो वो करना है। उसके बाद फिर तुम एससी वर्मा स्टार्ट कर सकते हो या मॉड्यूल कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन है ना। पर पहले डीपीपीज खत्म करना है, क्योंकि डीपीपीज ना अच्छी खासी प्रैक्टिस करा देती है एक डिसेंट लेवल पे। तो एससी वर्मा में कुछ और ऑर्डर दिया है, पर हम इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अगर तुम्हें उसके बारे में डिटेल में जाना है हर एक चीज़ के बारे में, इनके बारे में, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है एससी वर्मा के बारे में पूरा, कि भाई इसका क्या पर्पस है, इसका क्या पर्पस है, या फिर किस तरह से करना है, सही तरीका क्या करने का। तो उसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे देख लेना। बाकी यहाँ पे बता देता हूँ नीट के बच्चों को क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहले तो वर्क डाउन एग्जाम पे सभी को करना है ना, ये करा करो ना। थोड़े से डिफिकल्ट भी लगेंगे पर कर लिया करो, कोई इशू नहीं, इनके सॉल्यूशन दिया, अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें एक चीज और है, पहले तो तुम्हें कोशिश करना है कि बिना देखे सॉल्व करो, है ना। और अब सॉल्व नहीं हो तो फिर पढ़ के देखो, समझने की कोशिश करो। पर बात है कि जो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व भी हो जाए ना एग्जाम्पल के, उसका भी एक बार सॉल्यूशन देख लिया करो। कई बार तुम गलत तरीके से करते हो, तुम्हें पता भी नहीं होता, तुम बहुत सारी चीजें मिस करके करते हो, तुक्के में तुम्हारे आंसर आ रहे होते हैं। और अगर तो आंसर तुम्हारे तुक्के में आ रहे हैं तो बेटा एग्जाम में गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो देख लिया करो, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, सभी लोग करें इसको, है ना, सभी लोग करें इसको। तो सारे बच्चे, है ना, सारे बच्चे करें, है ना, अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव वन मस्ट फॉर एवरीवन, इसमें तो कुछ है ही नहीं कि इस वाले को करने उस वाले को, सभी को करने, फर्क नहीं पड़ता तुम कौन से क्या हो, हर एक नीट एस्पायरिंग को करने, मस्ट फॉर एवरीवन। ये ऑब्जेक्टिव वन भाई सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस है, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं इसको करना है उसको नहीं करना, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है कि भाई सर मैंने इस कोचिंग का पैकेज कर लिया, फलाना ठिकाना किताब कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यूनिक क्वेश्चन है, इतना तगड़ा कॉन्सेप्चुअल कलेक्शन तुम्हें क्वेश्चन का कहीं नहीं दिखा, ये क्वेश्चन तुम्हारी असलियत बताएंगे। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डर गलत हो गया है ना, अपन को सेकंड नंबर पे अपन एक्सरसाइज करते हैं, ये करेक्ट कर दे दो, है ना, ये ऑर्डर थोड़ा सा गलत हो गया है, रुको मैं इसको सही कर देता हूँ, है ना। सेकंड नंबर पे एक्सरसाइज करते हैं, थर्ड नंबर पे अपन ऑब्जेक्टिव करते हैं, फोर्थ नंबर पे, है ना, तो है ना, एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज करना है, फिर ऑब्जेक्टिव वन, फिर ऑब्जेक्टिव टू, फिर ये तुम्हारे ये अभी मैं बता रहा हूँ, है ना, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव तो देखो सभी को करना है, ये ध्यान रखना, हर एक को करना है, ये सिंगल करेक्ट टाइप है बिल्कुल। और कई क्वेश्चन मतलब एससी वर्मा में से आए हुए हैं, वो घुमा फिरा के नीट में दे चुके हैं, नीट में एम्स में हर चीज में आ चुके हैं, तो ये तो सबको करने बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। अब रही बात मल्टी करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट वाले, तो भाई देखो ये मोर देन वन करेक्ट हमारे नीट में नहीं आते, बट मैं अगेन रिकमेंड करता हूँ, इट इज रिकमेंडेड, मतलब मेरे हिसाब से तो तुम्हें करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए। क्यों? पहले तो ज्यादा नहीं होते हर एक चैप्टर में, मतलब मुश्किल से 5 या 10 क्वेश्चन होते हैं, तो ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट का बिल्कुल एक चेक होता है भाई, तुम्हें तुम्हारी असलियत बता देते हैं कि तुम्हें कितना आता है, क्या आता है, क्या नहीं आता है ना, ठीक है। पर याद रखना ये ऑब्जेक्टिव वन ऑब्जेक्टिव सब लोग एक्सरसाइज करने के बाद करेंगे ना। अगर एससी वर्मा की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज मतलब सब्जेक्ट के क्वेश्चंस वो नहीं कर रहे हो, तो अपना डीपीपी या मॉड्यूल करने के बाद, मॉड्यूल में कम से कम मतलब 500 क्वेश्चन उस चैप्टर के करने के बाद इनको अटेम्प्ट करना, तो क्योंकि उसको जब अपन क्वेश्चन इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब अपने कॉन्सेप्ट बनते हैं, तब तुम इनको कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे ना। तो सीधा नहीं कि बस क्लास पढ़ी उसके बाद सीधे करने बैठ गए, नहीं, है ना, पहले डीपीपी करना, मॉड्यूल्स करना, है ना, उसके बाद इसको करना सॉल्व, है ना। तो भाई ये रिकमेंडेड क्यों मैं बता देता हूँ, है ना, मैं बता देता हूँ भाई, इंडीड, है ना, जो कल्पना थी हु सिक्योर्ड AIR 1, है ना, उसने खुद ही बोला था कि भाई मल्टी करेक्ट क्यों करना चाहिए, है ना। तो मैं उसका रीजन बता देता हूँ, उसने क्या बोला था कि देखो कई बार क्या होता है सिंगल करेक्ट ना तुम गलत तरीके से कर लेते हो, क्या होता है सिंगल करेक्ट में एक ही सही है, तुम्हें एक सही मिल गया तो बस तुम्हें फिर मान लो तुम्हें बाकी तीन ऑप्शन का पता भी ना हो कि वो क्यों गलत है, है ना, तो तुम कई बार ना एलिमिनेट वगैरह करके उनको कर लेते हो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस को, वो ठीक है, वो तरीका भी ठीक है एग्जाम में, ठीक है। पर जब तुम घर पे प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो क्वेश्चन करने का एक पर्पस ये भी होता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और तुम तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन को कई बार गलत तरीके से करते हो, है ना। तो घर पे जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो अभी, ये तरीका सही नहीं है ना, क्योंकि इससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट मिस हो जाते हैं। अब मल्टी करेक्ट में क्या है, मान लो तुम्हें एक आंसर सही है, पर तुम्हें दूसरा ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा वो सही है नहीं, तीसरा भी चेक करना पड़ेगा, चौथा भी चेक करना पड़ेगा, और 5 या 10 क्वेश्चन होते हैं। तो मैं तो बहुत हाईली रिकमेंड करता हूँ कि भाई हर एक को ये करना चाहिए, है ना। तो उससे तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारे जो 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 तो होते हैं ना, जो गलत तरीके से तुम इनको सॉल्व कर लो, तो इसको नहीं कर सकते, तो उससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। सो दिस इज वेरी हाईली रिकमेंडेड, है ना, ठीक है। और हम इनका प्रॉपर डिस्कशन वगैरह करते हैं क्लास में, ठीक है। अब उसके बाद एक्सरसाइज किसको करनी किसको नहीं, ये वो चीज है ना, ये मेन क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्ट में ना, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ऑर्डर वाइज क्वेश्चन है, तो ये हर एक को नहीं करनी है ना, ये हर एक को नहीं करनी है ना। अगर मैं कहूँगा उन्हीं को करनी है जो टॉप रैंक टारगेट कर रहे हैं, फिर तुम कहोगे सर हम भी तो टारगेट कर रहे हैं। तो देखो अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, थोड़ी सी तुम्हें समझना जरूरी है ना, कि देखो करना तो बहुत कुछ चाहिए, पर जब अपन प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो टाइम बहुत लिमिटेड होता है, टाइम बहुत लिमिटेड होता है ना। तो एक चीज़ होती है, हमें रियलिस्टिक होकर पढ़ाई करनी होती है, हवाबाजी में पढ़ाई देखो नहीं होती है ना, है ना। मैंने कई बार कहा कि नीट वो एग्जाम नहीं है जिसके लिए तुम 3-3, 4-4, 2-2 ड्रॉप लेते रहते हो। भाई आसान सा एग्जाम है 11-12 के साथ, मस्ती के मस्त निकलता है अगर तुम ढंग से पढ़ाई कर लो तो, ज़्यादा से ज़्यादा एक ड्रॉप, है ना, इससे ज़्यादा नहीं होता। अगर तुम गलत चीज़ों में पढ़ जाओगे तो दिक्कत होती है ना। तो
जो चीज है ना उनमें से सही चीज में से एक है कि हमें रियलिस्टिक होना जरूरी है ना। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इस साल जो हम मेरे स्टूडेंट्स हैं ना नीट 2021 में इतने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, है ना, स्पेशली वो बच्चे जो 160 प्लस और 170 ला रहे हैं ना, तो उनमें से कई लोगों ने एससी वर्मा करी है, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने एससी वर्मा करी हुई है सॉल्व, है ना, कुछ ने पूरी करी थी, कुछ ने 50-60% करी हुई थी, पर करी हुई थी। पर कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने नहीं करी थी, जो अल्फा अचीवर बैच ज्वाइन करते लेट ज्वाइन करे थे ना, वो लोग उनका समय ही नहीं था, ड्रॉपर थे, इतना समय नहीं था कि वो कर पाए, उन्होंने सिर्फ नोट्स और डीपीपी करे थे एंड दे आर स्टिल स्कोरिंग 160 प्लस। तो देखो इस चीज को समझो, अब तो ये क्वेश्चन पूछते हो सर क्या जरूरी है ना, ये तो मैंने इनके बारे में तो बता दिया, इनमें तो ज्यादा समय लगता नहीं है ना, मेन यही थी एक्सरसाइज जो सबसे ज्यादा होते हैं ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, क्या जरूरी नहीं, तो जरूरी नहीं है, है ना, पर बात ये होती है तुम ये चीज समझो, ये तुम्हें भी पता है, तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, तो करना तो हमें बहुत कुछ चाहिए, है ना। अब ऐसे एक केमिस्ट्री के टीचर थे हमारे जमाने में, वो बोलते थे कि केमिस्ट्री में ये बुक कर लो, ऑपिटन डन कर लो, इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक में फिजिकल में, फिर आर्यन की आती है वो भी कर लो, और फिर ये और 8-10 किताबों के नाम लिख देते, ये कर लो तुम्हारी केमिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, अबे भाई मान लिया ये सब कर लोगे तो तुम भगवान बन जाओगे केमिस्ट्री के, पर समय कहाँ है इतना करने का। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, करना तो ऐसे बहुत कुछ चाहिए, बच्चों कहते हैं सर एनसीईआरटी, हाँ भाई एनसीईआरटी भी कर लो, डीपीपी भी कर लो, इस कोचिंग का भी मॉड्यूल कर लो, इस कोचिंग का भी मॉड्यूल कर लो, और ये फलाना किताब भी कर लो, और पता नहीं क्या क्या कर लो। अबे समय कहाँ है, समय तो बहुत लिमिटेड होता है ना, ये समझो समय बहुत लिमिटेड होता है। तो जब समय लिमिटेड होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें प्रायोरिटी ऑर्डर होता है हर चीज का, कि भाई सबसे पहले तो ये चीज होगी, उसके बाद ये होगी, इसके बाद ये होगी, इसके बाद ये होगी, उसके बाद ये होगी, उसके बाद ये। अब तुम किस लेयर तक जा सकते हो, अब ये मत करना कि तुमने पहली दूसरी लेयर नहीं करी, सीधे पांचवी लेयर पर चले गए। तो वो लेयर में तुम्हें बता देता हूं कि किस ऑर्डर में तुम्हें करना है ना, तो है ना, इस पे तुम कब जाओगे एक्सरसाइज पे, तुम कब जाओगे ना। देखो सबसे पहले तो तुम्हें पता है नोट्स करने, क्लास नोट्स मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरे पढ़ने, कहीं और से पढ़े तो कहीं और, नोट्स किस तरह से, नोट्स बहुत तगड़े लेवल पे, जैसे जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए उनको घर पे जाके खुद से करो, मेरे करने से कुछ नहीं होता। अगर तुमसे नहीं, भाई मैं तो क्लास में समझा दूंगा, पर तुम घर पे खुद से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे तो उसका कुछ मतलब नहीं है, तो घर पे जाके ट्राई करो, नहीं हो रहा तो फिर से देखो कि भाई मैंने कैसे करा था, उसको सीखो। सबसे पहले नोट्स बहुत तगड़े लेवल पे तैयार करो। मैंने कहा ना ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ नोट्स और डीपीपी करके 160 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं फिजिक्स में, तो नोट्स सबसे पहली स्टेप है कि भाई नोट्स में अगर मैं तुम्हें कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे दूं तुम कर पाओ हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बिलीव मी तुम्हारी बहुत तगड़े लेवल पे तैयारी हो जाएगी अगर तुमने नोट्स ही कर लिया, है ना। उसके बाद सेकंड है तुम्हारा डीपीपी, हर क्लास में तुम्हें डीपीपीज मिलती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, है ना, ये एग्जैक्टली वही मटेरियल है कोटा का, हम लोग उसको रिफाइन कर रहे हैं हमारी पूरी फिजिक्स वाली सिटी में ना, तो इसको करो, है ना। तो इसको करने से तगड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि हम आज क्लास में जो पढ़ते हैं उसी पे तुम्हें डीपीपी मिल जाती है, तो तुम्हारी तगड़ी प्रैक्टिस हो जाती है, है ना। ये करो, अब उसके बाद फिर मॉड्यूल पे आ जाओ, है ना। उसके बाद कुछ बच्चे जा सकते हैं एससीबी पे, बाकी आप उसके बाद तुम्हारा है, मॉड्यूल पे जाना चाहो मॉड्यूल पे चले जाओ, एससीबी पे जाना एससीबी पे चले जाओ। जिनसे एससीबी, देखो अब क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं इसके बाद वो एससीबी कर पा रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं आती, देखो हर एक इंसान अलग अलग होता है, ये चीज समझना जरूरी है ना। जैसे मैं था तो मेरे लिए फिजिक्स बहुत आसान थी, है ना, केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट थी भाई, मेरे से केमिस्ट्री नहीं होती थी। कुछ बच्चे होते हैं उनके लिए केमिस्ट्री बहुत आसान होती है, फिजिक्स नहीं होती, कुछ के लिए मैथ्स या फिर कुछ के लिए बायो, जो भी हर एक इंसान का दिमाग अलग अलग है, दुनिया में सब लोग बराबर नहीं है। और तुम्हें ये समझो, तुम्हें नीट निकालने के लिए टॉप मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए कोई न्यूटन आइंस्टाइन होने की जरूरत नहीं है तुमको, तुमको कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है, पर तुमको रियलिस्टिक होने की जरूरत है। तुम्हें ये नहीं देखना कि बाजू वाला क्या कर रहा है, बाजू वाले ने पहली बार में खत्म कर दिया सीवर में, अरे छोड़ना यार, वो अलग इंसान है तू अलग इंसान है भाई, ये समझना। अगर तू उसके जैसे करने की कोशिश करेगा पर वो तेरे लिए सूटेबल नहीं है तो तू बर्बाद हो जाएगा, तेरा सिलेक्शन भी रुक जाएगा, मान ले तेरी 1000 रैंक आनी थी वो भी नहीं आ पाएगी अगर गलत चीज करने लगे। तो हर एक चीज का एक ऑर्डर होता है ना। तो भाई देखो, जो लोग अब इसके बाद एससी वर्मा कर पा रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कर लेते, बहुत कम होते हैं, 1-8% होते हैं जो पूरी कर लेते हैं, तो करने दो, लेट देम डू इट यार, है ना। ठीक है, तुम कैसे कर सकते हो, तुम उसके बाद क्या करो, अगर तुमसे हो रही है तो बहुत अच्छी बात, देखो है ना। और उसमें भी पूरी नहीं होती, अगर तुम 70-80% भी कर पा रहे हो, बिलीव मी 80% भी कर पा रहे हो ना, तो बहुत एक्सरसाइज के 80% क्वेश्चन, बाकी तो अपन क्लास में डिस्कस करके डाउट क्लेरिफाई कर देते हैं ना। ठीक है, तो अगर अपन मान लो नहीं हो पा रही, तुमने ट्राई करा कि नहीं हो रही यार, मैंने 10 क्वेश्चन ट्राई करे, 10 में से 4-5 ही हुए, बाकी नहीं हुए, है ना, कोई बात नहीं, 4-5 के लिए वो भी बड़ी बात है, 4-5 के लिए ना अच्छी बात है, बड़ी बात है ना। ठीक है ना, और नहीं हो रही तो फिर देखो क्या करो, है ना, जिनसे नहीं हो रहे, जो 70-80% नहीं कर पा रहे, क्या करो, मॉड्यूल में अपनी 3 एक्सरसाइज है, या फिर किसी हर एक कोचिंग में होता है ना ऐसा, जैसे एक्सरसाइज 1 हमारी स्पेसिफिकली सेक्शन ए के लिए आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए, तो वो सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में छाप देता है ना, पूरे कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बार बार रिकॉल होकर बन जाएंगे। फिर एक्सरसाइज 2 में डिफिकल्ट थोड़े लेवल अप है ना, है ना, उसमें क्या है, सेक्शन बी जैसा तुमने देखा डिफिकल्ट आता है, तो उसके हिसाब से हमने कोटा के मॉड्यूल्स को बिल्कुल अपडेट कर दिया, हमारी पूरी टीम अपडेट कर रही है ना, उसके क्वेश्चन है। फिर एक्सरसाइज 3 इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है, उसमें मिसलेनियस असर्शन रीजन वगैरह ऐसी मजे के क्वेश्चन है, असर्शन रीजन मैच द मैट्रिक्स वगैरह फटाक से हो जाते हैं वो क्वेश्चन, है ना, ऐसे क्वेश्चन है ना। तो तुम क्या करो, सबसे पहले एक्सरसाइज 1 अटेम्प्ट कर लो ना, मत जाओ एससीबी पे यार, तुमने डीपीपी कर ली डिसेंट लेवल, अब एक्सरसाइज 1 करो। अरे एक्सरसाइज 1 तुम्हारे 140 नंबर करवा देगी, सेक्शन है पूरा तैयार करवा देगी,
140 तो हो जाएंगे 180 में से, उसके बाद फिर ये कर लो। अगर उसके बाद समय बच रहा है तो तुम जाओ एससीबी पे, बनना मत जाओ, मत जाओ, बिलीव मी। देखो करना तो बहुत कुछ चाहिए पर जरूरी नहीं है। तुम इसके साथ भी ये मॉड्यूल्स करके भी तुम भाई 160 प्लस नंबर ला सकते हो, 170 प्लस नंबर ला सकते हो, है ना। ठीक है, हाँ ये बात सही है, जो मैक्सिमम तुम जो अगर टॉपर्स देखोगे AIR 1 वाले देखोगे, सबने करी होती है एससी वर्मा, सबने, चाहे वो नीट क्यों चाहे JEE, इट डजंट मैटर, है ना। पर जरूरी थोड़ी ना कि तुम्हें AIR 1 भी लानी, 100 200 300 और भी बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स होती हैं। तुम अपना करो, पर तुम सोचोगे नहीं मेरे से ये भी नहीं हुआ, मैं इसकी जगह मैं यही जबरदस्ती करूंगा, और तुमसे 10-20% क्वेश्चन हुए, समय बर्बाद हो गया, फिर अगला चैप्टर चालू हो गया, ऐसे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तो रियलिस्ट होकर पढ़ाई करो, है ना। तो तुमने जैसे नोट्स के लिए डीपीपी के लिए मॉड्यूल खत्म करो यार, एक्सरसाइज वन मैक्सिमम, इंडियन 99% लोगों की ये ऑर्डर फॉलो करना, याद रखना, एक्सरसाइज वन करो, एक्सरसाइज टू करो, है ना। अगर अब इसके बाद दो चीजें होंगी मोस्ट मैक्सिमम लोगों के लिए, तुम्हारे पास समय ही नहीं बचेगा, जो स्पेशली ड्रॉपर्स है, है ना, 11 12th के बच्चों पे थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसलिए मैं यहां पे ये भी बता देता हूं, जनरली 12th और ड्रॉपर को तो नहीं करना है ना, तुमको एक्सरसाइज नहीं करनी है एससीबी की, जनरली मैक्स है ना, मैंने कहा ना 1-8% कुछ है वो करेंगे, वो हर साल करते हैं, वो करेंगे, है ना, पर बाकियों को नहीं करनी, तो मॉड्यूल फॉलो करो। इसको करके भी तुम 160 प्लस 170 प्लस ला सकते हो, लाए हैं इस साल बच्चे, समझो, अरे सिर्फ नोट और डीपीपी करके लाए हैं, तुम तो इतनी प्रैक्टिस और कर रहे हो यार, समझ में आ रही है बात, है ना। हाँ, अब तुम कहोगे कि फिर एससीबी, हाँ कर लोगे तो और अच्छा है, पर अगर समय बच ही नहीं रहा तो फिर क्या मतलब। मैंने कहा था ना रियलिस्टिक होना जरूरी है, ऐसे तो बहुत कर लो, जितना करते जाओगे उतना इंप्रूवमेंट होता जाएगा। अरे तुम जितने क्वेश्चन करोगे हर क्वेश्चन से तुम्हारा इंप्रूवमेंट तो ही रहा ना, पर लिमिटेड टाइम है ना, तो टाइम को यूटिलाइज करना है ना। जनरली मैक्सिमम भाई हमारे यहाँ भी मैक्सिमम वो बच्चे करते हैं जो 11 से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास 2 साल होते हैं, उनकी बहुत तगड़ी तैयारी होती है ना, वो 11 से ज्वाइन कर लेते हैं, उनके पास 2 साल समय होता है, पूरा आराम आराम से कर सकते हैं, है ना। भाई मैंने जब पढ़ा था, मैं सेल्फ स्टडी करता था, मुझे भी तो 2 साल लगे थे करने में यार, पूरा 11 12th आराम आराम से करी थी, है ना। तो है ना, तो अनरियलिस्टिक गोल सेट मत करो, है ना। तो मैक्सिमम लोगों को यही फॉलो करना है, स्पेशली ड्रॉपर्स को तो यही करना है ना, ड्रॉपर्स को, या फिर वो बच्चे जो 12th में 1 साल के लिए आए, ये तो और गंदी सिचुएशन में होते हैं। चलो ड्रॉपर को तो उससे पता है, इस पे ही ध्यान देना है नीट पे। जो बच्चा 12th में आता है और कहता है कि सर मुझे 11th नहीं आती, भाई तुम्हारे पास तो बिल्कुल ही समय नहीं है, तुम्हें बोल्ड देना है, सब कुछ देना है, तुम कहां लगे हुए हो, है ना, कहां लगे हुए हो तुम, तुम्हारे पास समय कहां है करने के लिए। तो इनको करो, और इसको करके तुम आराम से बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो ना, इनको करो फिर, और समय तो एक्सरसाइज ही करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम क्लास के अंदर कर ही देते हैं, उनको करो यार, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने कई बार बोला है स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी खत्म करते हुए चलना है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी खत्म करते हुए चलना है, नीट के एम्स के हम पूरे क्लास के अंदर खत्म करते हुए चलना है, रिवीजन के दौरान हम JEE मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खत्म करेंगे, अरे बहुत तगड़े लेवल पे तैयारी हो जाएगी ना, है ना। पर अगर मान लो कोई है कि वो कह रहा है कि सर हमारा ये करने के बाद भी हमारे पास समय बच रहा है, हमारे पास रोज दिन के 1.5 घंटे बचे हैं, फिर करो, कौन मना कर रहा है, करो और बैठ कर सॉल्व करो, 60% 70% जितनी सॉल्व हो रही करो, तो इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हारे पास कितना टाइम है, इट्स ऑल अबाउट दैट, है ना। पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं कि उनके पास ये कर लिया, उसके बाद भाई जबरदस्ती बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, और उसके चक्कर में उनकी बायोकेमिस्ट्री छूट रही है, डोंट डू दैट, नेवर डू दैट। रैंक तीनों सब्जेक्ट्स आती है, तीनों को बैलेंस करना है तुम्हें ना, रैंक तीनों सब्जेक्ट को तुम्हें बैलेंस करते हुए चलना है, तीनों सब्जेक्ट को तुम्हें बैलेंस करना है, याद रखना। ये नहीं होना कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे वो कि एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा समय दे दिए बाकी दो छूट गए, नहीं यार, बैलेंस करते हो, हर एक में मिनिमम करते हो खत्म करो, हर सब्जेक्ट के नोट्स खत्म होने चाहिए, हर सब्जेक्ट में डीपीपीस खत्म होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट में मॉड्यूल्स की एक्सरसाइज वन पहले खत्म करो फिर टू करो, है ना, तीनों को बैलेंस आउट करते हुए चलो, तब तुम्हारी रैंक आनी है। आई होप इससे क्लैरिटी होगी ना। अगली चीज, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स, ये कर सकते हो, इनमें ज्यादा समय नहीं लगता, है ना, ये बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, ये अगेन तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक करते हैं ना कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट कितने तगड़े लेवल पे बने हैं ना। इनके सॉल्यूशन नहीं दिए, इनको मैंने पूरे सॉल्यूशन बना के चैप्टर वाइज यूट्यूब पे डाल रखे हैं, है ना, वो तुम जाओगे ना प्ले लिस्ट में तुम्हें दिख जाएंगे मेरे चैनल पे ना। तो ये भी अच्छे क्वेश्चन है, ये भी मैं रिकमेंड करता हूँ ना, पर अगर टाइम नहीं बच रहा तो फिर मत करना, पर कर लेना अगर टाइम बच रहा है, क्योंकि इनमें ज्यादा नहीं लगता है, 10-15 क्वेश्चन होते हैं, 15-20 मिनट में तुम्हारे हो जाते हैं, तो अच्छा है, इससे तुम्हें रियलिटी चेक मिल जाता है कितनी आती है, और तुम्हारे बहुत सारे गलत कॉन्सेप्ट सही हो जाते हैं, इसमें से कई क्वेश्चन सीधे उठ के नीट और एम्स में आए हुए हैं, है ना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं इसके हर, है ना, कुछ कुछ चैप्टर में एक एक दो दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, पर ठीक है यार, क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए वो, पर बाकी सब तो है रिलेटेड, तो करो भैया ना, तो रिकमेंडेड है ये भी, है ना। थियरी इज इट नेसेसरी, नहीं नेसेसरी नहीं है। अब देखो थियरी में भी वही चीज है, पढ़ना एक अच्छी हैबिट होती है, पढ़ोगे तो और इम्प्रूवमेंट होगा, बट अगेन तुम्हारे पास टाइम है या नहीं। अब मान लो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं और तुम जबरदस्ती पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री छोड़ के तुम ये पढ़ने बैठ गए, तो फिर तो दिक्कत है ना। अगर टाइम बच रहा है तो भाई पढ़ लो, हर चीज होती है ना। बाकी एनसीईआरटी की एक रीडिंग सबको माननी है, ये मैंने बता दिया, क्योंकि एनटीए उसको फॉलो करता है ना, सबको माननी है ना। तो भाई अगर समय बच रहा है तो बिल्कुल, जनरली 11th के बच्चे के पास इतना समय होता है, वो कर लेते हैं, वो भी सारे नहीं कर पाते, कुछ कर लेते हैं ना, 20-25% बच्चे कर रहे होते हैं, है ना। और नहीं है तो कोई बात नहीं, इट इज परफेक्टली फाइन, तुम्हें देखना है कि तुम्हारे पास कितना समय, तुम्हें अपना बेस्ट देना है, दूसरे को मत देखो कि भाई वो फलाना
साहब AI अर्बन लेकर आया था, उसने इतना सब कर लिया था, अरे छोड़ना, हो सकता है उसने 9 में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दियो, तुझे क्या पता दूसरे का बैकग्राउंड क्या है ना, तुझे अपना बेस्ट देना, इस पे ध्यान दे, अनरियलिस्टिक होकर करेगा ना बर्बाद हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो आई थिंक मैंने इसको आंसर कर दिया है ना, है ना, रियलिस्टिक होकर पढ़ाई करो, है ना, किसको करनी है किसको नहीं करनी, देख लो 11th के बच्चे ज्यादा चांसेस होते हैं, 12th ड्रॉपर के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इतने कम टाइम में करना एक्चुअल में बहुत मुश्किल है, बहुत ही कम बच्चे कर पाते, तो मत करो, तुम अपना अपना DPP मॉड्यूल वगैरह इन पे ध्यान दो, नोट्स वगैरह पे ना, विच पोर्शन टू सॉल्व वगैरह ये मैंने बता दिया है, ठीक है। आई होप अभी ये क्वेश्चन जब भी आएगा क्लास में मैं बोलूंगा भाई ये वाला वीडियो जाके देख लो, बाकी जो बच्चे नए वगैरह हैं यहाँ पे भाई वो फॉलो कर लेना, जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं, जो भी मेरी हर रोज़ फ्री लाइव क्लासेस वगैरह होती हैं, है ना, जहाँ पे तुम डायरेक्टली आके एंटर कर सकते हो, सारे अपडेट्स तुम्हें टेलीग्राम पे मिलते हैं, तो टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। बाकी वेबसाइट पे हमने पूरे कोटा के मटेरियल्स डेवलप कर रहे हैं, नीट के अलग, JEE के अलग, है ना, मतलब उनको रिफाइन कर रहे हैं, उनको अपडेट कर रहे हैं एज पर न्यू पैटर्न, हर एक क्वेश्चन के रिटर्न सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो वो भाई तुम्हें वेबसाइट पे मिल जाएंगे, DPPs वगैरह, बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट है ना, बच्चे बार बार आगे पूछते हैं सर नीट के लिए कौन सी बुक करनी है, तो भाई जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़ रहे वो भी भाई इस कंटेंट को करो यार, पूरा वेरीफाइड कंटेंट है, कोई मिस्टेक वगैरह नहीं है, सब सही है ना, और बाकी अनअकैडमी पे फॉलो कर लेना मुझे जाके, ना चलो बाय बाय गाइस, सी यू, बाय बाय, निकल लो यहाँ से, लाइक वगैरह कर देना वीडियो को, है ना।